इतना हम घबरा गए खुद से, भागे तो टकरा गए खुद से। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है सिल्ली पत्रा हाथू हाई स्कूल मैदान में। वैसे थोड़ी देर के बाद देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पहुँचने वाले हैं, साथ ही टाइगर जयराम महतो भी इस सभा में सम्मिलित होंगे। लेकिन आम जनता से जानना ये ज़रूरी होता है कि आखिर सिल्ली में किसकी लहर है और इस बार सिल्ली में विधानसभा चुनाव में क्या खास होने वाला है। मेरे साथ एक शिक्षक जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर। बहुत स्वागत है सर। हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका? यहीं पर रहते हैं? हाँ, ही घर आई पास में। तो यहीं पर पढ़ाते भी हैं? नहीं नहीं, अब रिटायर कर गए। रिटायर हो गए? आप बताइए कि इस बार सिल्ली से कौन रिटायर करने वाला है? चुनाव नजदीक है। चुनाव सुदेश जी रिटायर करेंगे या अमित जी? देखिए, अब के रिटायर करने के साथ मुश्किल है जी। हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि अभी जयराम जी आ रहे हैं ना जी, जी सब पार्टी को देख चुके हैं यहाँ पर जी। सब पार्टी का वोट दिया हुआ है, सबको देखिए यहाँ दिए हैं वोट। सब पार्टी से भाजपा दमकी पा राजेंद्र सिंह मुंडा था यहाँ पर जी जी, इस सबको देखे हैं, सबको देखा हुआ, सबको वोट दिया हुआ है। लेकिन अभी जो जयराम महतो जो अभी से उतर रहे हैं जी, इनका जो बच्चे पे सुन करके तो हमको आश्चर्य लग रहा है कि जितना भी हुआ है 24 साल में जी, सबसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नेता कभी नहीं देखा? नहीं, इसलिए इसका वो चाहते हैं कि जीतना चाहिए, जीताना चाहिए। एक चीज मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि देश दुनिया में मोदी लहर है, तो झारखंड में जयराम लहर है? एकदम लहर है, जयराम लहर है। एमपी इलेक्शन से चुन रहे हैं लेकिन कोई जिताया नहीं वोट दिया। कहते हैं देंगे वोट लेकिन पैसा के लोभ में नहीं दिया वोट। तो सर, जो लोग लालच में वोट कर देते हैं किसी भी पार्टी में 500 रुपया में या किसी लालच में बिक जाते हैं, उनको क्या कहना है? देखिए, उनको तो हराना है, उनको वोटें देना नहीं है। पैसा दिया तो हम पैसा लेंगे, जितना देगा ले लेंगे, लेकिन देंगे नहीं वोट। ऐसा आदमी होना चाहिए ना, तो समझदारी होना चाहिए लोगों। समझदारी नहीं है, समझदारी से जयराम हारता। एक एमपी थे, जहाँ कहीं भी रहता जितना चाहिए उसको था। तो अच्छा, मान लीजिए लोकसभा में हार गए, विधानसभा में अब जनता समझदार हुई है? अब देखें क्या कहता है, जनता की तो अपने मन की बात है। अच्छा, कुछ क्या क्या देखा कहता है, सबको जीता हुआ पार्टी सभा। अच्छा, सुदेश मैं तो विधायक है, कैसा काम किए हैं? है? सुदेश मैं तो जी एरिया में घूमते हैं, लोगों के बीच जाता आना होता है। वो आते जाते हैं सब जगह, शादी में ब्याह में सब में आते जाते हैं। काम तो हुआ है, काम किया है ठीक, लेकिन फिर भी बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। और ये जो अमित जी है जेएमएम में जो मिल गए, दिखा गया है ना, उनको भी देखा गया, सबको दिखाया, यहाँ के सब बताया नहीं, जितने देखे हैं सबको देखे हैं हम लोग। लेकिन अब चाहते हैं, आदमी लोग चाहता है बदलाव, लेकिन हम इसमें जुड़े हैं, इसमें कोई दूसरा पार्टी मेलभाव है ना, तो दूसरा अपना छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए सर, क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी हो गई, आप ज्ञानी इंसान भी हैं, क्यों लगता है कि जयराम महतो जो है इस बार हवा के रुख को बदल रहे हैं और एक झारखंड में आंदोलन वाकई में वो कर पा रहे हैं? कैसे लगा आपको, क्यों जुड़े उनसे? अब जुड़े तो देखिए, क्या लगा पहली बार, क्या उनमें ऐसा देख के लगा कि आपको उनसे जुड़ने का मन किया और वो आपको लगा कि अच्छे नेता बन सकते हैं? अच्छे बने हुए हैं, नचेता ही हैं, लेकिन लोग कहता है कि नहीं अभी नया है, क्या करेगा, इसलिए वोट नहीं दे रहा है। लेकिन आपके अनुसार बेस्ट है? एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट है। इंडिया में सबसे टॉपर है, सबसे टॉपर इंडिया में। हम मानते हैं, मानेंगे, और किसी को नहीं मानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, देवेंद्र नाथ जी जो है इस बार मैदान में उतर रहे हैं, तो सुदेश जी और अमित जी के सामने टिक जाएंगे? टिकना, जीतना चाहिए, जीतने के लिए हर सब आदमी लगा रहा है ना, बस सब लोग आदमी खराब कर दे रहा, गड़बड़ कर देता है। नहीं नहीं, जैसा कि देवेंद्र को जीतना चाहिए, जिताएंगे हम लोग। आप लोग जिताइएगा, पूरा लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं, मन से धन सबसे उनको देना, जीताना है, मन धन सबसे लगे हुए हैं। हाँ, तो बाकी पार्टी के पास धन बहुत ज्यादा सब है, सबके पास है, पैसा तो है, सबके पास पैसा है, सब पैसा में जीत रहा है ना लोग। मतलब अच्छे से पैसा को खर्च किया जाए तो काम कर रहा है, काम हो जाएगा। चलिए सर, क्या लग रहा है, देवेंद्र जी की लहर है इधर? बिल्कुल फुलार लहर है। तो लोग कहते हैं कि आज सूखा गढ़ है ये इलाका, सुदेश जी ही बाजी मारेंगे, क्या कहना उन लोगों को? गढ़ हमेशा सबका नहीं रहता है, दिन के दिन चेंज होते जाता है जी। तो बिल्कुल किसी का लहर नहीं है, सिर्फ कैंची का है यहाँ पर। कैंची का लहर है सर, आप भी इधर आ जाइएगा, चाबी घुमा रहे हैं, आइए आइए, आज नहीं बताना है कुछ। सर, एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो आज टाइगर जयराम महतो यहाँ पर आने वाले हैं, बीच में लोगों के बीच में ये बातें गई कि देवेंद्र जी और टाइगर जी में कुछ खटपट हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा, आपको क्या लगता है? वैसा वैसा कुछ नहीं, हम लोग शुरू से जब भी कैसेस में हैं और देख भी रहे हैं, वैसा कुछ खटपट भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपसे सब सब ठीक है। रिजवान जी ने पार्टी छोड़ दी है एन वक्त पे, क्या कहना है अब? अब रिजवान जी को क्या कहिएगा, मिल गया खोखा तो चल गया,
बस। तो ऐसे कुछ और भी लोग हैं क्या जो लालच वश जुड़े हुए? नहीं, वैसे जो है वो चल जाए और जो है वो हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। तो लालच के लिए जो आएगा उसका यहाँ पे कोई टीम नहीं है। तो लोकसभा के बाद से पार्टी कितनी मजबूत हुई है? बहुत मजबूत हुई है, बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा। देवेंद्र जी के संघर्ष को कैसे देखते हैं? कभी लाठी खा लेते हैं, कभी बीमार पड़ जा रहे हैं, बहुत पतले दुबले हो गए, अपना ख्याल भी नहीं रखते, दिन भर आंदोलन में लगे रहते हैं। लग रहा है कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। देवेंद्र दा अभी से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, देवेंद्र दा बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं और हम सब जितना स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए वो मर मिट जाते हैं, चाहे वो जो भी हो, जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो, आज से नहीं विगत 10-15 वर्ष से वो संघर्ष है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ठाने हैं कि देवेंद्र दा को इस बार हम लोग सदन तक पहुंचाना है। सर क्या लग रहा है, किसकी लहर है झारखंड में? सिर्फ कैंची। सिर्फ कैंची, सिर्फ कैंची। तो कैंची चलते और कुछ नहीं चलता? ना, सिर्फ कैंची चलते। तो किसके किस पे चलेगा कैंची इस बार? सुदेश महतो और अमित महतो के साथ, दोनों पे दोनों कैंची चल जाएगा। लेकिन सब कह रहे हैं कि विधायक जी बहुत अच्छे हैं, लोगों से मिलते भी हैं। अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं, क्या किए 24 साल में आप बताइए। अब आप लोग सिल्ली के जनता, आप ही लोग बताइए। 24 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल अपना झोला भरे हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा दुकान, रेस्टोरेंट, अच्छा स्कूल वगैरह सब कुछ सुविधा है? हॉस्पिटल आप देख सकते हैं बगल में, कबाड़ी बना हुआ है। अगर अच्छा काम करते तो ऐसा थोड़ी होता। तो पूरे सिल्ली भर में कितने अच्छे हॉस्पिटल, एक भी नहीं है? कहीं नहीं है, आप जाके देखिए। तो लोग इलाज कराने कहाँ जा रहे हैं? जाते हैं उसी में, क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे उसी में। अगर बच गए भगवान भरोसे, और क्या करेंगे। तो विधायक जी को ये सब की कोई चिंता नहीं? कोई उसको अगर चिंता रहता तो आज हम लोग को ऐसा प्रोग्राम करना पड़ता, देवेंद्र मतलब अपने छोड़ देता। अच्छा, जो ये प्रोग्राम हुआ, जो 4 साल से आंदोलन 5 साल से चल रहा है, लोगों में जन जागरण हुआ है? हाँ, एकदम हुआ है। तो जेएल जिस तरीके से लोग कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है, जेएमएम हो गई है, अब उसको भी लोग बोलते हैं कि ये भी राष्ट्रीय पार्टी हो गया, कांग्रेस के साथ जुड़ गई है, बड़ी पार्टी हो गई है, जेल के भी आ गई है। तो इस दोनों बीजेपी और कांग्रेस के सामने जेल के हम टिकने वाला है? एकदम एकदम, देखिए जनता ही सबसे सर्वोपरि होती है। पार्टी देखिए, पार्टी तो पैसा, लेकिन हर इंसान को पैसा नहीं चाहिए। रिजवान जी पार्टी छोड़ दिए, क्या हुआ उसके बाद? रिजवान जी से देखिए, जो जो अच्छा आदमी है वो उसका पार्टी में स्वागत है, जो अच्छा नहीं वो अपना चले जाए, हमको कोई मतलब नहीं उससे। अच्छा, देवेंद्र जी को टिकट मिले उसके बाद आप लोग कितने खुश हुए? बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश। ये जरा मैं तो सही डिसीजन लिया। हाँ, जो आंदोलन करेगा उसको ही टिकट मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, जो आंदोलन करेगा उसी को मिलेगा, जो जनता के लिए सोचेगा उसी को टिकट मिलेगा। तो यहाँ पर जनता, आप लोगों के बीच में जा रहे, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है देवेंद्र जी को? अब एक बार गाँव देहात के जाके देखिएगा, पूछिएगा कि गाँव देहात में क्या चल रहा है, सिर्फ कैंची चल रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि जो आजसू है या बीजेपी है, शहरी वोटर उनको वोट करते हैं और गांव की जनता सिर्फ जेल के एम को वोट करती है, यही सच है कि शहरी लोग भी जेल के एम पे यकीन ना, कर ना, रहे हैं? शहरी लोग भी यकीन कर रहे हैं, शहरी लोग भी कर रहे हैं, शहरी लोग भी कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है, जयराम जी की लहर है? यस, सिल्ली में देवेंद्र जी की लहर है पूरा है एकदम। तो सुदेश जी और अमित जी के सामने वन बॉल थ्री विकेट डाउन होने वाला है इस बार, सिल्ली विधानसभा वाला करने तो वाला है। बिल्कुल, आप लोग तैयार है? हाँ। ऐसा तो नहीं किसे बोला जा रहा है? नहीं नहीं, आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ हुजूम होगा, तो नतीजा आप लोग के एकदम पक्ष में आ रहा है, हम ही लोग के पेच में आएगा नतीजा। तो जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बना लीजिएगा क्या इस बार? यस यस, बन जाएंगे। तो इतने कम उम्र के युवा अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो रिकॉर्ड बनाने का आप लोग तैयारी कर रहे हैं? रिकॉर्ड बनेगा, फिर अलग से फिर रिकॉर्ड भर काम भी होगा, रिकॉर्ड काम भी होगा। तो शिक्षा पर जेल के हमारे ध्यान देंगे, सबसे पहले शिक्षा स्वस्थ रहेगा हमारा प्राथमिकता रहे। अच्छा सर क्या लग रहा है, जयराम जी की लहर है? सबसे पहले आपको जोहार और आपके दर्शक भाई जो इंडियन गार्ड से जो है सभी को झारखंड जोहार करते हैं। तो हम लोग का नाम पहले सुने हैं, कभी देखे हैं? सुने हैं, देखे भी हैं और चैनल भी देखते हैं। चैनल में देखे हैं हम लोग तो धनबाद से आए, तो चैनल में देखते हैं आप यूट्यूब में? अच्छा, आते रहता है सामने, आते रहते हैं, बड़ी देखते हैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से देखते हैं, मतलब बिना आए भी आप लोग देख रहे हैं। आपका सब्सक्राइबर हम भी हैं, मतलब फेमस हो रहे लग रहा है, हो रहा है। अच्छा, आप बताइए कि देवेंद्र जी जो है इस एरिया में कितने फेमस है? फेमस तो बहुत है, बहुत फेमस, झारखंड में, सिल्ली में नहीं, बोले झारखंड में। जिससे ज्यादा फेमस है कि कम है? ज्यादा है, ज्यादा फेमस है, ज्यादा फेमस है विचार में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जेल के एम हवा हवाई पार्टी है, ये सब लास्ट में जाकर के सब बीजेपी से मिलने वाले बोल रहे हैं कि इस बार जो हवा हवाई पार्टी बोलते हैं ना, जो वन बॉल थ्री विकेट डाउन होने वाला है, जो सुदेश महतो है वो पूर्व विधायक दोनों है, अमित महतो और सीमा देवी दोनों का विकेट डाउन होने वाला है, तीनों का।
अच्छा, इस बार से लेगा। अच्छा, तो अमित जी की वाइफ भी कभी कुछ चुनाव वगैरह जीती थी? जीती थी बीच में, उन लोग मतलब पहले चुनाव जीते, उपचुनाव जीती थी। तो वाइफ का कैसा काम रहा एरिया में, कुछ काम रहा? खास वैसा कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं रहा। वो लोग थुकल चाटने वाला है जी, सब पलटी मार के चाट देता है, पलटी मारते रहता है, पलटी मार देता है। आपको बता देते हैं, जब जेएमएम छोड़ा, जब जेएमएम अमित महतो छोड़ा और अपना पार्टी बनाया, तो पूरा झारखंड में बच्चा लोग को दौड़ लगवाया है 21 किलोमीटर पर डे। 1932 लागू नहीं हुआ था थका के जेएमएम छोड़ा, और आज के 1932 लागू हो गया जो जेएमएम में शामिल हो गया, इसका मतलब थुकल को चाट देता है। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताइएगा, हेमंत सोरेन जो अंतिम समय में रिजवान जी को अपने साइड कर लिए, जनता इस बार जो है जवाब देने वाली है? हाँ, एकदम देगी, एकदम देगी। तो लोग कह रहे कि अल्पसंख्यक का वोट लेकर के रिजवान कैसे मिलेगा, उससे ज्यादा आके जुड़ गया अल्पसंख्यक। हाँ, तो उनका बना बनाया कुछ नहीं होने ना, वो सब नहीं चलेगा, मैया योजना नहीं चलेगा। रिजवान जी को जेएमएम वाले इज्जत देंगे? कैसे इज्जत देंगे, आप देखिएगा ना, वोट पार होने दीजिए और रिजवान जी को कहीं पर जगह नहीं मिलेगा। अभी काम लेने के लिए उसको लाया गया, उनको वहाँ जेएमएम में जगह नहीं मिला, आप लोग के पास फिर आना चाहेंगे तो आपको? हम लोग थुका हुआ आदमी को वापस नहीं लेते, उसको नहीं चाटते हम लोग। आप लोग नहीं, उसको नहीं चाटते, छोड़ देना। हाँ, एकदम छोड़ देना उसको। सर, क्या लग रहा है, जयराम जी की लहर है इधर बहुत ज्यादा? तो लोग कहते हैं सिर्फ गांव में लहर है, शहर की जनता तो अभी भी बीजेपी और कांग्रेस नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ बातें नहीं है शहर में, इधर पूरा लहर है। हाँ, वैसे होगा शहर में भी वैसा जी, बाहरी सब भी भरा हुआ है ना, तो कुछ तो होबे करेगा उन लोग का भी, लेकिन देहात में शहर में भी देखिए 50-50 है, ये 50-50 चल रहा है। गांव देहात में तो पूरा 100 है। लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि सुदेश जी अच्छा काम किया, कुछ लोग जो है उनसे नाराज है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा किया है तो प्रचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ता अभी, और हम लोग यहाँ इतना दूर पहुँच भी नहीं सकते थे। तो जनता बदलाव करने के मूड में है कि फिर पुराने ही चीजों पे यकीन करें? पूरा बदलाव होवे कर रहा है, तो इस बार हो जाएगा बदलाव पूरा, तो लोकसभा से बेहतर परफॉर्मेंस इस बार होने वाला। हाँ हाँ, चलिए जनता है, खैर जानना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू? मंगल मुंडा। किधर से आए हो? चांगड़ू से आए हूँ। जोहार नहीं बोलोगे? जोहार। फुल जोहार। फुल जोहार। कैसा लग रहा है इधर आए हो? ठीक है। और खाते पीते नहीं हो, इतना पतले दुबले हो गए हो? खाते हैं। खाते हो? हाँ। क्या क्या खाए हो? या सब खाना सब्जी। जयराम जी आने का पैसा वैसा दिए हैं? नहीं, ऐसे ही आ गए। हाँ, एक साथी से आए। तो अपना पैसा लगा के आ गए? साइकिल से आए। तो यहाँ आए हो तो क्या हो जाएगा, मान लो इधर हम लोग इधर आके हैं तो इधर होने वाला क्या, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। हमको भी नहीं समझ रहा। नहीं समझ आ रहा है? नहीं। तो जयराम जी का कुछ लहर ये सब है? हाँ है। पैसा पानी नहीं ना पैकेट में? नहीं है। पक्का ना? नहीं। तो कुछ खाए पिएगा? नहीं। हम कुछ खाए, कुछ खिलाए पिलाए तुमको? नहीं। नहीं खाएगा? हम मान लो कुछ देंगे तो तुम नहीं खाओगे? नहीं, खाए हैं। हम आए धनबाद से, मालूम है? हाँ। हमको पहचानते हो? नहीं। नहीं पहचानते हो? ठीक लग रहा है मेरा स्टाइल? हाँ ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। जयराम जी का स्टाइल ठीक लगता है? हाँ लगता है। टाइगर बोलते हैं बच्चा लोगों, तो टाइगर से डरना चाहिए, जंगल में टाइगर निकलता है, तुम लोगों को डर नहीं लगता है? नहीं लगता है, टाइगर से डर लगता है। असली वाला टाइगर से? मतलब ये नकली वाला टाइगर है झारखंड में? हाँ। अच्छा, जंगल में वो दूसरा टाइगर रहता है? हाँ। तो ये टाइगर ठीक है? हाँ। ऐसा नहीं ये भी टाइगर स्ट्रेस से ऐसे करके खा जाएगा? नहीं, ये अच्छा है, अच्छा। हाँ। टाइगर है ना? हाँ। और एक देवेंद्र नाथ जी है, वो भी तुम्हारे जैसे दुबले पतले हैं, इधर सिल्ली को संभाल लेंगे? हाँ संभाल लेंगे। कभी देखे हो देवेंद्र जी जो फोटो एकदम लगा हुआ है, घुंघरेला घुंघरेला बाल? हाँ। है, देखे हो उनको? हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, काम तो कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहा है। अब विधायक जी आते हैं, सुदेश जी आता है, बड़ा बड़ा गाड़ी में सुदेश जी आते होंगे? हाँ। तो कुछ मिलते हैं तुम लोग से? हाँ मिलता है। तो पैसा पानी सब दिए हैं? या रांची में दिया था। रांची में दिया था? हाँ। पैसा पानी दिया गया और बोला गया कि चलो चलो मेरे साथ झंडा ढोलो, झंडा ढोलो बोला गया? हाँ। हमको भी एक बार 500 रुपया मिला था, पर हम झंडा नहीं ढोए। कोई पैसा देगा तो झंडा मत ढोना, ठीक ना? हाँ। अब बुद्धि लगाने का टाइम है, ठीक ना? हाँ। तो सुरेश जी पैसा दिए थे और फिर बुलाए थे रांची? हाँ। रांची बुलाए थे? हाँ। लेकिन जयराम जी पैसा नहीं दिए? नहीं दिया। और बाकी लोग पैसा दे दे के बुलाता है भीड़? हाँ। लेकिन ये बिना पैसा दिए भीड़ बुला लेते हैं ना? वाह बाबू वाह, बहुत तुम समझदार है। और पापा के साथ आया है? नहीं, मेरा भैया के साथ है। भैया के साथ आया है? हाँ। तो अब ग्राउंड में भी खेल कूद होगा? हाँ। चलो हम भी आते हैं, ठीक? हाँ। खेलने कूदने आते हैं। अब देखिए जनता का मिजाज है, जयराम जी जो है थोड़ी देर के बाद पहुँचेंगे, देवेंद्र नाथ महतो जी भी पहुँचेंगे, छोटे बच्चे हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं कि इस तरीके का आयोजन क्यों होता है, लेकिन झारखंड की सियासत बदल चुकी है, पैटर्न बदलने वाला है। आप देख रहे हैं कैची छाप जो है झंडे में आपको नजर आ रहा होगा, चारों तरफ लोग अब जुटने लगे हैं। वैसे
चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वोट जो है लोग कह रहे हैं कि हम परिवर्तन के लिए करेंगे। आप जरूर बताइएगा कि परिवर्तन को तैयार हैं या नहीं, या पुराने ही पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं।